वेलकम टू ग्लोबल फैक्ट्स। क्या आप बता सकते हैं कि भारत में वर्षा ऋतु में ये जो इतने बड़ी मात्रा में बादलों का समूह है, ये आता कहाँ से है, इनका निर्माण किन क्षेत्रों में होता है, और हमारे देश में ये कौन कौन से मार्गों से होकर के ये बादलों का समूह आते हैं और फिर वर्षा करते हैं। तो चलिए इस बारे में हम जानते हैं कि भारत में बादलों का समूह कहाँ से आता है, इसे हम अपने ग्लोब के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि भारत में जो वर्षा ऋतु में जो बादल आते हैं वो हिंद महासागर में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन महीनों के दौरान हिंद महासागर में ये उस समय वहाँ पर गर्मी पड़ती है और वहाँ पर वो बनते हैं भाप के माध्यम से, यानी उस क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा सूर्य की रोशनी पड़ती है तो फिर वहाँ पर वो बादल बनते हैं। हम देखेंगे कि ये जो भारत के ठीक नीचे भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के ठीक नीचे जो ये वाला भाग है, इस वाले भाग पर ये वर्षा ऋतु के जो बादल होते हैं उनके बनने की ये जगह है, और यहीं पर ये बादल जब सूर्य की रोशनी इन महासागरों पर पड़ती है, हिंद महासागर पर, तो वहाँ पर गर्मी की वजह से भाप बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊपर उड़ता है, वहाँ पर धीरे धीरे वो बादलों के समूह के रूप में इकट्ठा रहता है। फिर जैसे ही हमारे यहाँ गर्मी का मौसम होता है, जब मई आता है, तो यहाँ से ये बादल हवाओं की सहायता से ये हमारे भारत की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बढ़ जाती है। और फिर ये भारत में दो शाखाओं के रूप में एंट्री करते हैं, एक तो बंगाल की खाड़ी की शाखा की तरफ से हमारे भारत में प्रवेश करता है जो पश्चिम बंगाल, और वहाँ से होते हुए फिर उत्तर के मैदानों से होते हुए हिमालय तक पहुँचता है, और दूसरी शाखा अरब सागरीय शाखा होती है जो कि अरब सागर के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर वो वर्षा करता है। तो इस तरह से हमने जाना कि भारत में जो बादल आते हैं वो हिंद महासागर से उत्पन्न होकर के हमारे देश में प्रवेश करते हैं और ये आगे बढ़ते बढ़ते हिमालय तक जाते हैं, लेकिन हिमालय को पार नहीं कर पाते क्योंकि इनकी ऊंचाई हिमालय से नीचे ही रहती है, हिमालय की ऊंचाई ज़्यादा है, और ये उन सब बादलों को रोक लेता है, जिसके वजह से फिर ये हमारे भारत के ही मैदानी क्षेत्रों में घूम करके वर्षा करते हैं। और दूसरी होती है हमारे देश में जो जनवरी, फरवरी या फिर दिसंबर में जो वर्षा होती है वो भूमध्य सागर में बनने वाले बादलों के आने की वजह से होते हैं। ये भूमध्य सागर है जो कि अफ्रीका और यूरोप के बीच में, ये भूमध्य सागर है, यहाँ से ये बादल हमारे देश की तरफ आगे बढ़ते हैं और जो शीत ऋतु होती है उस समय ये वर्षा वहाँ पर करते हैं। तो इस तरह से हमने संक्षिप्त रूप में ये जाना कि हमारे देश में ये जो बादल आते हैं वो कितने बड़े पैमाने पर और कहाँ से आते हैं। धन्यवाद।